रमजान के मौके पर आज हम एक बहुत शानदार सी चिकन करी बनाएंगे। फटाफट से बनने वाली यह चिकन करी स्वाद में बहुत जबरदस्त होने वाली है और इसके बनाने के लिए समय भी बहुत कम लगेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आने वाली है, तो ध्यान से इस रेसिपी को पूरा देखिए। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। रेसिपी की शुरुआत हम एक पैन में 2 चम्मच सरसों के तेल को गर्म करके करेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हमको इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को काटकर डाल देना है। 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे, आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम काली मिर्च, एक छोटे साइज का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच साबुत धनिया को डालकर इन सभी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है और अब हमको इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर से पैन में लगभग 2 चम्मच सरसों के तेल को गर्म करेंगे। तेल के गर्म होते ही हमको इसमें मसालों वाला पेस्ट डाल देना है। अब इसे स्लो फ्लेम पर अगले 10 मिनट तक पकाएंगे। लगभग 12-13 मिनट हो गए हैं और मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हमको इसमें छोटे साइज की प्याज को काटकर डाल देना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देता हूं। यहां पर हमको कुकिंग धीमी आंच पर करनी है। अभी 1/4 चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च भी डालेंगे। अब मैं लगभग 300 ग्राम चिकन को डाल रहा हूं। मैंने चिकन के साइज थोड़े बड़े लिए हैं, इसलिए कुकिंग में धीमी आग पर और लंबे टाइम तक करने वाला हूं। अभी हमको जरूरत के हिसाब से पानी डाल देना है और इसे ढककर अगले कम से कम 25 मिनट तक धीमी आग पर पकाना है। लगभग आधा घंटा हो गया है और चिकन अच्छे से पक गया है। देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी बनी है। जितना यह दिखने में खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा स्वाद में जबरदस्त है। यार इसकी खुशबू तो बहुत शानदार है। गैस को बंद कर देते हैं और फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस बार आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। आशा करता हूं यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।